से ही बहुत बड़े सैड न्यूज आ चुकी है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बिल्की चंडी को देखने। उठा ले अच्छा करते हैं। तकलीफ में तो है बंदो रोमत अल्लाह जो भी है आसान आसान फरमाए और क्या। Assalamualaikum everyone, welcome back to the new vlog. तो guys आ चुके हैं exciting vlog के साथ और guys आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड का है होने वाला है। तो गाइज मेरी सबसे पहले शादी हो गई थी, हम तीन बेस्ट फ्रेंड्स थे तो उसमें से पहले मेरी शादी हो गई थी। अब बचे हैं दो, तो दो में से अभी एक और की शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो उसी की तैयारी करने के लिए आज मैं जा रही हूँ कपड़े लेने शादी के लिए। ये तालिया चुप रहा। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ कपड़े की बुकिंग करने, तो मैं और एक मेरी और एक फ्रेंड है मैनी, वो हम दोनों जा रहे हैं महक की शादी के कपड़े लेने के लिए। तो गाइज बहुत ज्यादा इंतजार था कि कब होगी शादी, कब होगा मजा, कब होगा एंटरटेनमेंट, कब होगा डांस, ये सब चीजें सोच सोच कितना खुशी होती है। और अभी फाइनली वो वेट आ गया है, हम लोग एक साल से वेट कर रहे थे और फटफट महीने भी निकल जाते हैं, अब बस एक महीना ही बचा है। तो एक महीने में पूरी इंशाल्लाह कसर लगा लेंगे सब चीज करने की। तो अभी दानिश के कपड़े लेने के, मेरे कपड़े लेने के। मम्मी तुम्हारा हो गया सब कपड़े? मम्मी का तो अच्छा है, मम्मी के सब कपड़े एक ही साइज के, मेरे सब सुफियान की शादी के कपड़े, मेरी शादी के कपड़े सब टाइट हो गए मेरे को, तो मैं कुछ यूज ही नहीं कर सकती। वही उसको ही मैंने सब कराई। अरे दिमाग वाले तेरा दिमाग कहाँ? दिमाग क्या, ओम की दोनों बच्चों की शादी के कपड़े, मेरी तो मेरी शादी का तो आएगा नहीं, सुफियान की शादी में एक ही ड्रेस ली थी तो वो भी कहाँ से आएगा। तो तुम मोटे हो गए ना इसके लिए। मम्मी जब से जबर खर्चा किया उसमें इंसान दूसरा कपड़ा ले सकता है, तो वही चीज मैं करूंगी। मैं सुफियान के ड्रेस में 300 रुपए लिया खाली। क्यों? कमीज बनाने का, शरारे का। हाँ शरारे की मैंने कमीज बना दी छी, गाउन की छी, क्या देखा लगेगा, दुपट्टा तो है, तुझे क्या लगेगा, चूड़ीदार लेने की। हाँ देख कार्टून वाले, देख तो हाँ, ये यहाँ नहीं पहन रहे, गाँव में पहनेंगे ना, यहाँ पे पहनूंगे। अच्छा तो गाइस हमारे गाँव में भी शादी इंशाल्लाह जाएंगे अगर होगा तो। तो गाइस अभी जा रहे हैं फिलहाल हम लोग कपड़े लेने के लिए, तो चलो। एक चीज बहुत अच्छी लगती है शादी के, जो एक हफ्ता होता है ना, जो महाराजा राजा जो फील आते ना शादी बाद भी, छह महीना शादी बाद, शादी स्टार्ट होने से 15 दिन पहले होता है। किसकी शादी? तुम्हारी शादी? किसी और की शादी? सबकी शादी में होता है ऐसा। तो शादी के जो 10 दिन होते हैं ना उसमें ऐसा फील होता है हाँ भाई मैं कुछ हूँ, समझे भी शादी आदि निकाह हो जाता है, कुछ का अलग फील आती है, दुल्हन की फील आती है। 5 दिन बाद दे सकते हैं हाँ मैं कुछ हूँ, फिर जब दुल्हन की हाथी मेहंदी मेहंदी क्या होता है मेहंदी वो निकली तो बस कहानी खत्म, दुल्हन जाती है बर्तन धोने, दिन जाता है काम पे। सही है, यही चीज होती है, बट वो सब दिन याद आते हैं, बट हम लोग ने तो इतना एंजॉय नहीं किया। मैं रात को वही सोच रही थी कि शादी की नाइट में हम लोग गए थे तब हम लोग इतने थक गए थे, अगले दिन सुबह सो जल्दी 12 बजे आँख खुली और भागे, हम लोग को एक दिन और एक्स्ट्रा लेना चाहिए था वो चीज भी, ताकि अपने को रेस्ट मिल सके। अपने कुछ नहीं किया, कुछ ध्यान नहीं दिए, और ना सेकेंड डे पे हम लोग कुछ एंजॉय कर रहे, एकदम थके थके, एकदम मेरा सर दुख रहा है, वॉमिट हो रही, दानिश को सर दुख रहा है क्योंकि हम लोग को नींद पूरी नहीं मिली, नहीं थर्ड फोर्थ डे पे गए, हम लोग बहुत घाई घोड़े में सब चीजें किए थे जो कि अब भी करना चाहिए, वैसे हम लोगों ने पहले नहीं करे थे, तो अफसोस होता है अभी थोड़ा। हाँ यार बच्चे भी साथ में, हाँ यही चीज, बर्थडे भी जल्दी आने लगी, एक साल का गैप होता है और इसकी तो बर्थडे मेरे बाद ही आने लगी। हाँ तो 23 को 23 24 को हर चीज हम अपने जल्दी जल्दी हो, हर चीज लेट लेट स्लो 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 हो रही है, तो गाइस ऐसे ही होता है, हम लोगों तक कुछ समझ नहीं था, तो अभी चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारे बच्चों में एंजॉय करेंगे, चलो टेके जाते। तो गाइस अभी हम लोग उतर गए हैं नीचे, यहाँ पर अब्बा बकरे को खातिरदारी कर रहे है, सही बात है, सही आइजल के मुँह में डालते हो ना, हाथ लगा मत करना है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग कपड़े लेने, बस तुम नहीं ले रहे हो महक की शादी के लिए कपड़े, तुम क्यों ले रहे हो तुम? अरे मेरे शादी का सूट पड़ा है अभी तक, देखो कोई पहने नहीं पहने, मेरे को पहनना जरूरी है। तो गाइस चलो जाते हैं जल्दी, मिलते हैं आपको प्राइवेट शॉप पे। सो गाइस नौशीन ने सिलेक्शन करी है, कुछ पसंद आया? बहुत हैवी हैवी है, तुम भी तो हैवी हो। मैं तो हैवी पर चॉइसेस नहीं है कुछ। अच्छा कलर कौन सा लोगे तुम, कुछ आईडिया? ऑलवेज ब्लैक, ब्लैक तो देख के पेस्ट, यू आल्सो ब्लैक पेस्टल कलर्स। चलो ठीक है, तुम्हारा कोट बाद में ले लूंगा मैं। अच्छा सो गाइस अभी मेरा कोड वोड मैंने लिया नहीं, अभी जाता हूँ लोग का पहले डिसाइड करता हूँ, फिर मैं कलर कॉम्बिनेशन ले लूंगा, ठीक है?
हाँ चलो। तो गाइज यहाँ पर हमारी ब्राइड रेडी हो रही है, उधर देख रही अपने आप को कैसी लग रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ये वाला लो, अच्छा लग रहा है ना। अरे तो क्या करेंगे, यहाँ का प्राइस बहुत बढ़िया है, 8-8, 9-9 हज़ार रुपया। इसके लिए तो अभी ये अच्छा ही खरीद नहीं लो, मैं ले लो। बाकी तो एक बार लोगे पहनोगे फिर अभी से रख लोगे। हाँ वो तो है ही, बट उतना अपन दे ही रहते ना वैसे भी तो यार। क्या तो वो वाला अच्छा नहीं लगा क्या, वो वाला तुम ऑप्शन बहुत सारे देख रहे हो ना, पहले माइंड सेट कर तुम्हें लेना क्या। मुझे जो पसंद आ रहा है ना वो हाई रेंज का। अच्छा, जो नहीं पसंद आ रहा है वो लो रेंज के। चलो ठीक है, अभी पसंद आएगा फिर बताओ। सो गाइस मैंने ये पसंद किया, नॉर्सिंग का ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया। कैसा लग रहा है? प्यारा है, बट इसमें कहीं दूसरा लोग है। अच्छा, मगर ये नहीं लोगे? अरे ये नहीं है डेट पे, ऐसी बात ना, कोई बात नहीं। निकाल के दे दिया मैं। ओहो, तब से घूम रहे थे कहां है वो, जो पसंद आया ये भी पसंद आया ये वाला ना। हां, ये भी डेट पे नहीं। चलो ठीक है, अब क्या करूं, तो फिर ये वाला एक निकाले और एक बार एक निकाले सेम पीस। हां, दोनों में से देखते हैं। चलो ठीक। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा और उम्मयानी का हो चुका है, अब दानिश का कोट पैंट लेने जाने का, क्योंकि चॉइस बहुत अलग होती है। लड़कों में बहुत वैरायटी है, लड़कियों में बहुत चूजी, मतलब लड़कियां अच्छी लगना चाहिए। चूजी नहीं है, चूजी तुम अभी, तुम भी डार्क ग्रीन कलर लो। तुम तो बोलो मैं कॉपी करूंगा। मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं पर्सनली भी जाऊंगा। अच्छा ठीक है, डन। क्या बोले तुमने, वापस बोलो जरा। ये ग्रीन वाला बताओ क्यों, अब क्यों? हाँ कॉपी कैट मेरे, देख ब्लैक एंड गोल्डन वहाँ पर है, वो अच्छा लगेगा, वो ले ले। ये नहीं कहाँ गया गोल्डन, हेलो किसी ने ले लिया क्या, इसके पीछे था। हाँ ये देखो अच्छा लग, इसमें से कौन सा लोगे अभी तुम? सो गाइस दानिश ने ये वाला कोट पहना है, अच्छा लग, धूप अच्छा लग रहा है, ये वाला टाइट वेट करोगे भी अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। ये मैं दो तीन ऑप्शन और है गाइस, ने पिंक कलर भी निकाला, हां इसने पिंक कलर निकाला, अच्छी हो पिंक मत पहन, नहीं मुझे ये और एक ग्रीन डार्क ग्रीन अच्छा लगा, वो भी पीछे लगी पीछे लग, ट्राई तीनों ट्राई करके देखो। तो गाइज ये वाला दानिश नहीं था, लुक नहीं थी, तो वो अच्छा लग रहा था फर्स्ट वाले। गाइस अभी जाते हैं घर पे, हम दोनों के ड्रेसेस का हो गया, उम्मयानी का भी हो गया है, तो अभी घर पे जाके मम्मी लोग को दिखाते हैं हमने ये पसंद किए। फिर इसके लिए ज्वेलरीज लेना पड़ेगा, बैंगल्स लेना पड़ेगा, मतलब सब चीज़ करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें भी बाकी, अभी तो बैंगल्स और ज्वेलरीज बाकी है। ठीक है, तो गाइस चलो जल्दी जाते हैं घर पे, फिर वहाँ से जाएंगे, मैं मेरी दोस्त से अभी वहाँ शादी है, वहाँ पर डांस प्रैक्टिसेस हो रही है हम लोग की, तो वो सब भी खींचेंगे, तो आप लोग को वो सब शेयर। बड़े सैड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बिल्की आंटी को देखने, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। आप लोग भी दुआ करो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए और घर पर आ जाए। क्या बोले नौशीन, क्या बोले मम्मी ने फोन करके? मम्मी रो रहे थे कब से बोल रही थी आओ आओ, तो मना के बोला आइजा ले कैसा आएगी तू, तब अभी फोन आया बोले खून की वॉमिट कर रहे थे, तकलीफ ज्यादा हो गई, मतलब अभी अल्लाह भरोसा अल्लाह बस अच्छा कर दे। वही तो अब्बा बोले मैं लेके बैठता हूँ, तू जाने जाके उठा ले, अच्छा कर, कितना बर्दाश्त करो इसका। चलो अभी जा रहा है हॉस्पिटल में, जाता हूँ फिर ऊपर देखता हूँ क्या क्या होगा, दवा पानी की जरूरत है या तो एम्बुलेंस की जरूरत है, तो घर तक पहुँचाता हूँ। दिलाने का था ना, क्योंकि वहाँ पर रह के उनकी तबीयत और खराब हो गई, ना घर पे अच्छे थे ना, तो हॉस्पिटल जाके और खराब हो गई। हाँ चलो, डिस्चार्ज लेने बोले तो एम्बुलेंस लेके वो पहुँच ही रहेगा, तो मैं ऐसा हो रहा था चलो ले जाते। चलो ठीक है अंकल, दोस्तों लेके भाई बैठना हॉस्पिटल के। ठीक है चलो चलो गाइस, अब आप लोगों को मिलता है आगे। फाइनली आ चुके हैं घर पे और मैंने उनको छोड़ दिया घर पे, बहुत ज़्यादा लोग लगे हैं पहुँचाने के लिए, उनकी 80% बॉडी मतलब हो चुकी है, मतलब 20% बचा है। नौशीन क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते बाकी? कुछ भी नहीं, खुद चलो ऐसे को घर पे छोड़ दे, फिर तुम भी जाओ उधर देखो क्या है क्या नहीं, क्या चीज़ सिचुएशन है क्या नहीं, है ना। हाँ क्या बोल रहे हो, तकलीफ में तो है, अभी क्या बोल सकते, जान दो रो मत, अल्लाह जो भी है आसान फरमाए और क्या। हाँ चलो गाइज मैं इसी के ब्लॉग एंड करता हूँ, आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज आप लोग दुआ करना नहीं भूलना।